आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ओम गणपतये नमः। अमेज नाउ कार्यक्रम के एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। 7 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 के मध्य आज हम लोग नव मंडल में कौन से ग्रह कहाँ पे हैं, इस पर चर्चा होगी। साथ ही कुछ कालर्थ समस्याओं पर चर्चा होगी। आज हम लोग बात करेंगे महादेव पे कौन सा फूल चढ़ाएं और कौन सा फूल नहीं चढ़ाएं। साथ ही आज हम लोग बात करेंगे कौन से दो ग्रहों की युति से अंगारक योग का निर्माण होता है। सबसे पहले नव मंडल में ग्रह स्थिति। सूर्य और शुक्र कर्क में, मंगल और बुध सिंह में, बृहस्पति और राहु मेष में, केतु तुला में, शनि कुंभ में, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 9 अगस्त 2023 को बुद्धाष्टमी पर्व का मान होगा। 12 अगस्त 2023 को कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत का मान रहेगा। 13 अगस्त को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। आज श्रावण का सोमवार है। 7 अगस्त 2023 को आज पांचवा सोमवार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मेष, शेयर कार्यों में सावधानी से कार्य करें। नौकरी में कोई सफलता के योग। पिता के आंखों के रोगों पे थोड़ा ध्यान रखें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कोई अनचाही यात्रा हो सकती है। वृष, परिवार से वाद विवाद से जहां तक हो सके बचें। कारोबार में परिश्रम होगा। मन को संयमित रखें। सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी हो सकती है। साथ ही कोई अजनबी अतिथि का आगमन होगा। मिथुन, किसी कार्य से सफल होने मन प्रसन्न रहेगा। संगीत के क्षेत्र में रुचि, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई यात्रा अचानक हो सकता है। उदर रोगों से थोड़ी सावधानी से रहें। आइए, एक कॉलर है रीना गुप्ता जी गोरखपुर से, उनको देखते हैं। जी रीना गुप्ता जी, आपने बताया अपना जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1986 शाम को 5 से 6 के बीच, हमने 5:30 बजे समय सायंग लिया। जन्म स्थान आपका देवरिया है। रीना जी 29 अक्टूबर 1986 शाम को 5:30 बजे के अनुसार आपका लग्न निकला मेष। राशि आ रही है सिंह। पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। आपका प्रश्न है संतान की स्थिति कब तक। निश्चित तौर पे अभी महादशा आपकी चल रही है राहु में बुध 14 मई 2024 तक। जब राहु में बुध के बाद राहु में केतु आएंगे तो भी थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। 25 फरवरी 2025 के बाद आपको संतान योग की प्राप्ति होगी। कुछ ज्योतिष उपाय हैं, इनको करें। दूध से रुद्राभिषेक करावें। साथ ही प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश जी को हरा दुर्वा चढ़ाएं। मंत्र है ओम गणपतये नमः। एक अच्छा सा पुखराज दाएं हाथ की तर्जनी में दिन बृहस्पतिवार को धारण करें। हरि कृपा। कर्क, साझेदारी में मनमुटाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। संयम से रहें। क्रोध से बचें। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंह, सावधानी से नया कार्य करें। किसी संपत्ति के विवाद हो सकती है। संपत्ति में जहां तक हो सके वाद विवाद से बचें। किसी धार्मिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं। व्यापार में सुधार के योग। बरसात में होने वाले आंखों के रोगों से सावधानी से रहें। कन्या, मीठे खान पान में रुचि हो सकती है। संतान की तरफ से सुखद समाचार। आय के नए मार्ग बनेंगे। हड्डियों के रोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तुला, मानसिक शांति रहेगी। व्यर्थ के क्रोध से बचें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। अस्थाई आय के स्रोत बनने जा रहे हैं। वृश्चिक,
आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, छने रुष्टा छने तुष्टा की प्रवृत्ति से बचना होगा। जहां तक हो सके अतिथियों से मान सम्मान से बातचीत करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। धनु, नौकरी या व्यापार में उत्तम सफलता के योग। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय, प्रयास करें, नौकरी के योग बन रहे हैं। अति आत्मविश्वास में बचें, माता के आशीर्वाद से कोई नया काम बनने जा रहा है, कर्ज के लेन देन से दूर रहें। एक कॉलर हैं पल्लवी जी देवरिया से, उनको देखते हैं। आपका प्रश्न है, किसी भी चीज पे आप हाथ लगा रही हैं, वह स्थिति सफलता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आगे क्या करें? आपने अपना जन्म तिथि बताया 31 दिसंबर 1991, सुबह 10:45, जन्म स्थान है आपका देवरिया। पल्लवी जी, आपका लगन निकला कुंभ, राशि आपकी आ रही है तुला, विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, वर्तमान महादशा बुध में सूर्य। आपका प्रश्न है, असफलता हाथ लग रही है, सफलता कैसे हो? निश्चित तौर पे कुछ ज्योतिष उपाय हैं, आप इनको करें। एक रुद्राभिषेक सहस्र क्रामे, तत्पश्चात प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत योग पूजन करें, साथ ही एक अच्छा सा ओपल दाएं हाथ की तर्जनी में 12 रत्ती के आसपास धारण करें और शिव आराधना, जब तक सावन चल रहा है शिव आराधना करें, हरि कृपा। जी आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। मकर, मित्रों का साथ मिलेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, मीठे खान पान पर रुचि हो सकती है, भूमि संबंधी कार्य सिद्ध होंगे, कोई नए वाहन का भी योग बन रहा है। कुंभ, शिक्षा कार्यों में सुखद अनुभूति, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के योग, आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है, कानूनी वाद विवाद में विजय, आंखों के रोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मीन, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कोई चली आ रही परेशानी का अंत होने जा रहा है, नए वाहन आ सकता है, व्यापार के क्षेत्र में विस्तार के योग, उदर रोगों से थोड़ा सावधान रहें। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। हमारा पता है, अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। यह रहा सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज हम लोग बात करेंगे महादेव शिव पर कौन सा फूल चढ़ावे और कौन सा फूल नहीं चढ़ावे। महादेव पे कमल का फूल, समी का पुष्प, अमलतास, सफेद मदार, सफेद आग बहुत ही प्रिय है, इनको कनेल का पुष्प भी बहुत पसंद है। कौन सा फूल नहीं चढ़ावे? केतकी का फूल, केवड़े का फूल, साथ ही तुलसी पत्र कदापि ना चढ़ावे, यानी केतकी का जो फूल है बिल्कुल नहीं चढ़ावे। यह रहा आज महादेव जी के कौन सा फूल चढ़ावे, कौन सा फूल नहीं चढ़ावे। अब हम लोग बात करेंगे अंगारक नामक योग पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महायोग के बारे में जो मंगल और राहु से बनता है, जिसे हम लोग अंगारक योग बोलते हैं। अंगारक योग, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, राहु तेल संबंधी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है,
मिलकर के ये अंगारक्यों का निर्माण करता है। मंगल राहु अगर भाइयों के खाने में तृतीय घर और ग्यारहवें भाव में बैठे तो भाइयों से वाद विवाद भी कराता है। चतुर्थ भाव भूमि के घर में बैठे तो भूमि संबंधित वाद विवाद होते हैं। छठे घर यानी स्वास्थ्य रोग रीढ़ और ननिहाल पक्ष के घर में बैठे तो यह अग्नि से भय और मामा से मधुर संबंध नहीं स्थापित कराता है। साथ ही कानूनी चीजों में उलझाता भी है। अगर यह पत्नी भाव विवाह घर में बैठे तो इसको पूर्ण मांगलिक बोलते हैं। साथ ही पत्नी से वैचारिक संबंध मतभेद लगे रहते हैं। भाग्य भाव में व्यक्ति नास्तिक रहता है। लाभ भाव में ग्यारहवें भाव में बैठने पे यह ग्रह धन की हानि कराता है। मंगल और राहु से बनने वाले इस ग्रह को अंगारक योग बोलते हैं। अगर प्रबल अंगारक योग मौजूद है यानी केंद्र या मूल त्रिकोण में मौजूद है तो क्या करें? हनुमान जी की आराधना, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही राहु के लिए गणेश अथर्वशीर्ष, महादेव का उपासना, रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी रहता है। यह रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। साथ ही हम लोगों ने कुछ कालक की समस्याओं पे बातचीत किया। महादेव जी पे कौन सा फूल चढ़े और कौन सा नहीं चढ़े इस पे भी बातचीत हुई। साथ ही आज हम लोग एक महायोग अंगारक योग के बारे में बातचीत किया। हमें दीजिए अनुमति, हम लोग पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में। ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।